हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी डॉक्टर रितु और आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है नेल फंगल इन्फेक्शन, मतलब कि फंगल इन्फेक्शन हो जाना आपके नेल्स में, आपके नाखूनों में। तो आज इसी के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्यों होता है, क्या रीज़न होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि नेल इन्फेक्शन हुआ है आपको, और साथ ही साथ इसके कुछ प्रिवेंशन और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने जाऊंगी। तो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आइए जानते हैं इसके बारे में। नील्स मतलब कि नाखून। आपके नाखून जो होते हैं बॉडी के बहुत छोटे पार्ट होता है, लेकिन ये आपकी बहुत सारी बॉडी की कहानी शो करता है। मतलब कि अगर आपको कोई इंटरनली भी डिजीज़ होती है, कोई कंडीशंस होती हैं, उनको भी शो करता है आपके नाखून और नील्स। तो यहाँ पर कई बार ऐसे होता है जैसे कि एनीमिया सबसे पहले चेक किया जाता है नील्स में। कई बार कुछ लंग डिजीज़ होती हैं, लीवर डिजीज़ होती हैं या हार्ट डिजीज होती हैं, उसमें भी नेल को देखा जाता है क्योंकि वहाँ पर भी कई सारे चेंजेस देखे जाते हैं। लेकिन कई नेल अपने आप में ही डिजीज्ड हो जाते हैं और उनमें भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि फंगल इन्फेक्शन। तो नेल्स में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ फंगस लग जाता है, तो उसकी वजह से भी आपके नेल्स में कई सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको पहचाने कैसे, तो नेल्स को कैसे पहचाने कि वो फंगल इन्फेक्टेड हुए हैं। तो फंगल मतलब कि फंगस लग जाना, तो वो आपको सबसे पहले आपके नेल्स के नेल्स बैड में अंदर में वाइट कलर चेंजेस दिखाई देगा, फिर वो येलोइश होता है, देन उसके साथ साथ आपके नेल्स बहुत ज़्यादा थिकेंड दिखाई होने लगते हैं, मोटे से हो जाते हैं, कई बार येलोइश हो जाते हैं, मोटे होते हैं और बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब कि ईजिली टूटने वाले हो जाते हैं। तो इस टाइप के आपके नेल्स होना शुरू हो जाते हैं, तो उसी को फंगल इन्फेक्शन बोला जाता है। और सबसे पहले वहाँ पर अंदर आपका जो नेल बैड होता है, जिसके ऊपर ऊपर से नेल्स होता है, वहाँ पर आपका जो गैप आना शुरू हो जाता है, उसको बैड को छोड़ने लग जाता है, आपका नेल्स अलग से होने लग जाता है। और धीरे धीरे कई बार जब वो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं उसका, क्योंकि वहाँ पर पेनफुल कंडीशन स्टार्टिंग में नहीं देखी जाती है, तो वहाँ पर धीरे धीरे वहाँ पेन स्टार्ट हो जाता है और नेल का चेंज कलर होके काला भी होने लग जाता है, काला भी पड़ने लग जाता है। तो इस तरीके से चेंजेस दिखाई देते हैं आपके नेल्स में जब आपको फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है। तो ब्रिटल होता है, बहुत जल्दी टूटते हैं, खराब होते हैं, खराब नाखून होते हैं, इस तरीके से होते हैं। और आपके एक स्वस्थ नाखून जो होते हैं, अगर आप हेल्दी हैं इंटरनली और एक्सटर्नली आपके नाखून अगर स्वस्थ हैं, तो वो पिंकिश कलर के होते हैं, एकदम स्मूथ होते हैं, उसमें कोई भी लाइंस वगैरह नहीं देखी जाती हैं और सुंदर होते हैं, शाइनी होते हैं। तो इस तरीके के एक स्मूथ और अच्छे नेल्स बोले जाते हैं, स्वस्थ नेल बोले जाते हैं। जब डिजीज कंडीशंस में आते हैं तो यही चेंजेस, आपका स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है, रफ हो जाएंगे, लाइंस आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इस तरीके से चेंजेस दिखाई देना शुरू होते हैं। तो नेल इन्फेक्शन में आपको व्हाइटिश और येलोइश कलर डिस्कलरेशन सबसे पहले दिखाई देता है और फिर ब्रिटल और डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। अब मैं बात करूंगी क्या कारण होता है, क्या कॉजेज होते हैं। तो जैसे कि नेल फंगल इन्फेक्शन, नाम से ही डिजीज से पता चला है फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफेक्टेड होते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो एक है आपका स्पेशली डर्मोफाइट जो है, इसकी वजह से आपका होता है। कैंडिडा की वजह से भी कई बार नेल इन्फेक्शन देखा जाता है, और कई बार आपका ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, या फिर आपका नॉन डर्मोफाइट्स मोल्ड्स, तो मोल्ड्स की वजह से भी यहाँ पर नेल इन्फेक्शन देखे जाते हैं। तो ये मेनली रीज़न, ये कारण होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो नेल इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं बात करूँगी रिस्क फैक्टर्स पे, किन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं नेल इन्फेक्शन होने के। तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले देखा जाता है, अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उसके टाइम पे आपका जो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस देखे जाते हैं। इसके साथ ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप डायबिटिक पेशेंट हो ही जिनको नेल इन्फेक्शन हो, कई बार नॉन डायबिटिक लोगों के साथ भी होता है, जहाँ पर आपका पुअर सर्कुलेशन है, सही से पुअर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है आपके बॉडी में। और इसके अलावा बहुत सारे, कई बार आर्टिफिशियल नेल्स वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें देखा जाता है, या फिर आपको नेल्स में या नेल्स के आसपास कोई इंजुरी हुई है और आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो कई बार आपने देखा है, या मेरे पास भी कई पेशेंट्स आए हैं कि उनको कुछ दिन पहले वहाँ पर इंजुरी हुई थी, वो कहीं से टकरा गए थे, या फिर उनका नेल्स कहीं पर टकरा गया था, दरवाजे के बीच में आ गया था, वो इंजुरी उनने नहीं ध्यान दी कि उसमें ठीक हो गई थी, पेन अपने आप 15 दिन में ठीक हो गया था, लेकिन आगे जाके वहाँ पर वो नेल इन्फेक्टेड हो गया है। तो ऐसी इंजुरीज भी देखी जाती हैं।
और यहाँ आपके आपके इन जो है फिंगर नेल्स भी देखे जाते हैं और टोज नेल भी इन्फेक्टेड देखे जाते हैं, मतलब कि पैरों के नाखून भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ज़्यादातर जो बिग टो होता है वहाँ पर इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन जल्दी आपको कवर कर लेता है, क्योंकि आपके बाल जो पैर होते हैं वो जल्दी इन्फेक्शन के जो नियर बाय रहते हैं, ज़्यादा जल्दी इफेक्टेड हो सकते हैं। और कई बार आप बहुत ज़्यादा क्लोज और टाइट शूज़ पहनते हैं, उसकी वजह से भी बिग टो में यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेल इन्फेक्शन देखा जाता है। तो ऐसे कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं रखते हैं, प्रॉपर ट्रिमिंग नहीं करते हैं, बराबर नेल्स नहीं काटते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर पोर्स में बहुत जल्दी इन्फेक्शन, आपके कचरा वो सब चीज़ इकट्ठा होता जाता है, जिसके कारण जल्दी इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। तो क्लीनिंग ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी होती है प्रॉपरली। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है नेल इन्फेक्शन से। तो नेल इन्फेक्शन के छोटी से लाइफ स्टाइल चेंजेस अगर आप करते हैं कि आप अपने नेल्स को हमेशा क्लीन रखें, ट्रिम्ड रखें, अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है तो पसीने को वहाँ पर हमेशा हैंड वॉश करते रहें, जिससे कि इन्फेक्शन ज़्यादा देर तक नहीं वहाँ पर पनप सके। तो इस तरीके से चेंजेस लाते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि स्विमिंग पूल, अगर आप पब्लिक स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं तो उसके बाद अच्छे से शॉवर करें, सोप से वहाँ पर नेल्स को टोज को अच्छे से धोएं, तो आपका जो है यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस से बचा जा सकता है। साथ ही साथ कुछ अगर आपका ऐसा काम है जहाँ पर लंबे समय तक आपके हाथ गीले रहते हैं, ऐसी जगह पर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपना आप कोशिश करें कि रबर ग्लव्स पहन के काम करें, और उसके बाद भी अगर आपके लंबे समय तक हाथ गीले रहते हैं तो जब भी आप काम करके फ्री होते हैं तो हाथों को प्रॉपरली ड्राई करें, और ड्राई करने के बाद टॉवल से पोंछने के बाद वहाँ कॉटन लगाएं कि वहाँ पर जल्दी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कई बार नेल्स के साथ साथ वो फंगल इन्फेक्शन आपके दो फिंगर्स के बीच में भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से प्रिवेंट करना, ड्राई रखना बहुत ज़रूरी होता है आपके प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर एक बार ये डिजीज़ बढ़ जाती है तो वहाँ पर आपके परमानेंट डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं नेल्स, मतलब कि कई बार टेम्परेरी डिस्ट्रॉय होते हैं, जैसे कि वो नेल्स टूट के झड़ जाता है और उसकी जगह नया नेल्स आ जाते हैं। लेकिन अगर वो सही तरीके से प्रिवेंट नहीं किया जाए, सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो वहाँ पर आपका परमानेंटली लॉस हो सकता है नेल्स, जो कि लाइफ टाइम आपको वापस नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा चेंजेस आपके ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप हमेशा हाथों को ड्राई और सूखा रखें, वो अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो मॉइस्ड रखें। तो इन चीज़ों को आपको खुद पहचान करनी होगी कि आपके क्या क्वालिटी है आपके हाथों की, आपके पैरों की। और लंबे समय तक अगर पसीना ज़्यादा आता है, लंबे समय तक आप शूज़ पहने रहते हैं, तो घर आने के बाद में अच्छे से सोप से उसको धोएं पैरों को और सुखाएं अच्छे से। तो ये कुछ प्रिवेंटिव टिप्स हैं, तो आप इसको करेंगे तो नेल इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। अब मैं आपसे बात करूंगी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे मैं स्पेशली 4 मेडिसिंस, टॉप ग्रेड मेडिसिंस बताऊंगी, जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिंस होती हैं विद इंडिकेशन एंड पोटेंसी। तो आपको मैं सबसे पहली मेडिसिन बताऊंगी, वो है एंटीम क्रूड, एंटीमोनियम क्रूडम मेडिसिन है, जो कि 200 पोटेंसी में यूज़ की जाए तो बहुत ही इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसके सिम्टम्स काफ़ी हद तक मैच करते हैं आपके नेल इन्फेक्शन से। कि अगर आपके नेल्स बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, थिकेंड हो रहे हैं, मोटे हो जा रहे हैं, डार्क कलर चेंज हो जा रहा है, येलोइश हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है एंटीम क्रूड। तो एंटीम क्रूड मेडिसिन को भी 200 पोटेंसी में दिन में 2 टाइम्स यूज़ किया जा सकता है, सुबह और शाम को। सेकेंड मेडिसिन है मेरी, वो है साइलिशिया। साइलिशिया मेडिसिन में भी जहाँ पर भी आपके नेल्स, हेयर्स कहीं पर भी ब्रिटल हो रहे हैं, बहुत जल्दी टूट जा रहे हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जा रहे हैं, अगर हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा इंटरनली वीक है और उसकी वजह से आपके नेल्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, और ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है और इन्फेक्शन भी आके हो गया है और वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, तो वहाँ पर साइलिशिया मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होती है, और इसको 30 पोटेंसी में ही यूज़ करेंगे, दिन में 2 बार तक यूज़ की जा सकती है साइलिशिया मेडिसिन। थर्ड मेडिसिन है मेरी ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस मेडिसिन किसी भी टाइप के स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत ही इफेक्टिव होती है, कोई भी स्किन डिजीज़ में बहुत इफेक्टिव होती है, जहाँ पर आपका जो है क्रम्बलिंग टाइप के नेल्स हो रहे हैं, और अगर लंबे समय तक गीलेपन में रहने की वजह से वहाँ पर आपका नेल इन्फेक्टेड हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस मेडिसिन में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको वहाँ पर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ भी आ रहा है अगर दबाने से, तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है ग्रेफाइटिस। तो ग्रेफाइटिस को भी 30 पोटेंसी में दिन में 2 टाइम्स तक यूज़ किया जा सकता है।
मेरी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिकम एसिडिक मेडिसिन जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है वहाँ पर भी जहाँ पर आपके नेल्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए हैं, बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, और समटाइम्स वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल जो है लाइन्स आना शुरू हो चुकी हैं, जहाँ पर कई बार देखा होगा जब नेल इन्फेक्शन होता है तो नेल्स में ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें दिखाई देती हैं अलग से, बिल्कुल नेल्स आप टच भी करेंगे तो वो फील होंगी आपको, वो तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है। और जहाँ नेल्स में साथ में सोरनेस आ जाती है, मतलब कि थोड़ा सा दर्द, टेंडरनेस, मतलब कि छूने से दबाने से एक दर्द सा महसूस होता है, तो वहां पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है फ्लोरिक एसिड मेडिसिन। और फ्लोरिक एसिड मेडिसिन को भी 200 mg में दिन में 2 टाइम्स लिया जा सकता है। तो ये मेरी कुछ टॉप मेडिसिन थी, तो इनको अगर आप यूज करते हैं तो आपको काफी अच्छा नेल इन्फेक्शन से रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर इसके अलावा भी नहीं मिलते हैं और कोई अदर प्रॉब्लम हो रही है, कोई सीवियरिटी आ रही है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना वहां पर बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी की पूरी डिटेल मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।